नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि होम लोन किस बैंक से लेने पे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा, सबसे कम प्रोसेसिंग फी पे कहां से लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, आपके प्रोफाइल के लिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए कौन सा बैंक सही रहेगा, और या आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो कौन से बैंक या NBFC से आपको होम लोन लेने में आपके सैलरी में कौन सा बैंक सूट करता है, जहां पे आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, इसी के बारे में कंप्लीट प्रोसेस पे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है ये हमारे चैनल पे आपको मिलता है, तो अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको बैंकिंग और फिनेंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे HDFC बैंक के बारे में, SBI बैंक के बारे में, एक्सिस बैंक के बारे में, और PNB हाउसिंग एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज दोस्तों ये टॉप 5 कंपनियाँ हैं जो होम लोन में काफ़ी बेस्ट सर्विस दे रही है अभी इंडिया में, और इनका सर्विस भी काफ़ी बेस्ट है, जिसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अभी मोबाइल के स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको हम इनके सारे के पोर्टल पे ले चल के वहाँ पे कंपेयर करूँगा और सारे चीज़ों को एक एक करके मैं दिखाऊँगा। दोस्तों आ चुके हैं अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एक एक करके कि बारी बारी से कि किस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और प्रोसेसिंग फी क्या लगता है दोस्तों, और कंपेयर करके कम्प्लीट रूप से आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्लाइड्स देख सकते हैं, यहाँ पे सारे बैंकों का नाम मेंशन किया गया है, HDFC, एक्सिस बैंक और ICICI, SBI और LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात किया गया दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी से पांचों बैंकों को मैंने कंप्लीट रूप से मेंशन किया हुआ है। तो जो HDFC बैंक है दोस्तों, इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.60 से लेकर के 9.50 तक का आपको होम लोन का ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन है, ये आपका 30 नवंबर तक का मेंशन है। 30 नवंबर 2023 तक के डेट में जो अपडेटेड था उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपका HDFC बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा होम लोन में, वो 8.60 से लेकर के 9.50 आएगा। एक्सिस बैंक का अगर बात करें तो सबसे कम यहाँ पे है, 7.60 से लेकर के 8.05% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और वही अगर बात करें ICICI बैंक का, तो ICICI बैंक में दोस्तों जो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वो है दोस्तों 8.40 से 9.45 तक का। SBI की बात कर ले तो SBI में आपको 8.05 से 8.855 तक का मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए। और LIC हाउसिंग फिनेंस का बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 8% से लेकर के 9.25 तक का है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइज हम बात करें तो सबसे कम जो है स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है एक्सिस बैंक का, जो 7.60 से स्टार्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्सिस बैंक और आपका SBI एंड LIC हाउसिंग फिनेंस हो गया वो, और ICICI, HDFC सब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 50 पैसे का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफर अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सिस बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो प्रोसेसिंग फी में एक्सिस बैंक का जो प्रोसेसिंग फी है वो थोड़ा सा हाई है अदर कंपेयर टू अदर बैंक, क्योंकि यहाँ पे 1% तक का आपको देख सकते हैं एक्सिस बैंक का 1% लोन अमाउंट का आपको पे करना होता है, या 10,000 मिनिमम आपका 10,000 प्रोसेसिंग फी लगता है अगर लोन अमाउंट कम है तो। मान लीजिए सपोज दैट अगर आप अप टू 1% का मतलब हो गया कि आपको 1% तक लगेगा, हो सकता है ये 50 पैसे पे भी हो जाए, 35 पैसे पे भी हो जाए, मैक्सिमम 1% लगेगा लोन अमाउंट का। HDFC में जैसे कि मेंशन किया गया है, ये HDFC का जो है वो है 50 पैसे तक का या मिनिमम 3,000। तो प्रोसेसिंग फी में सबसे कम जो है वो है आपका SBI, जो देख सकते हैं यहाँ पे 0.35% है और 10,000 रुपये तक का मैक्सिमम है। और यहाँ पे जो मिनिमम है एक्सिस बैंक का वो 10,000 मिनिमम ही स्टार्टिंग हो रहा है, HDFC का जो है वो 3,000 मिनिमम स्टार्टिंग हो रहा है। तो ICICI और एक्सिस बैंक दोनों का जो प्रोसेसिंग फ़ी है अप टू 1% है लगभग दोनों का, तीनों का। जैसे LIC हाउसिंग फिनेंस देख सकते हैं, LIC हाउसिंग फिनेंस हो गया, और आपका एक्सिस बैंक एंड ICICI, तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोसेसिंग फ़ी आएगा अप टू 1% तक का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम अगर बात करें तो वो है SBI का,
और HDFC बैंक का। तो अगर आप मेरा ओपिनियन जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपेयर करके दिखा दिया, और बात रह गया कि फोरक्लोजर चार्ज का कि समय से पहले अगर आप किसी लोन को क्लोज कर रहे हैं तो उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें क्या चार्ज आता है। दोस्तों फोरक्लोजर चार्ज हर बैंकों का अलग अलग है, हर समय पर चेंज होते रहता है, प्रोडक्ट वाइज चेंज होते रहता है कि किस प्रोडक्ट और किस सेगमेंट में आपको होम लोन बैंक दे रहा है। तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि जब भी आप RM से कॉन्टैक्ट करें तो उनसे पूछें कि इस लोन में अगर हम टाइम से पहले कितना पैसा, कितना परसेंट जमा कर सकते हैं, कितने दिन तक जमा कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे वो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। और सेकेंड में, आप कभी भी ब्रोकर के थ्रू नहीं जाएं बैंक में, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू अगर आप जाते हैं तो फालतू में आपको परसेंटेज पे करना होता है। डायरेक्ट बैंक के RM से कॉन्टैक्ट करें, हर बैंक का टारगेट होता है लोन करने का, वो खुद आपको लोन करके देंगे और किसी को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं देना दोस्तों। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको फंडिंग मिलेगा। अगर आपका पेपर सही है तो बैंक से ईजिली आपको लोन मिल जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना होता ज़्यादा हार्डवर्क। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, भले ही SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी कम है लेकिन वहाँ से लोन लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप HDFC में फास्ट लोन लेना है तो सबसे पहले आप HDFC में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और HDFC एक्सिस में भी आप जा सकते हैं, एक्सिस में भी आपको बेस्ट सर्विस मिल जाएगा। और थर्ड में, अगर आपका पॉसिबल हो, टाइम अगर आपके पास हो तो आप SBI को प्रेफर कर सकते हैं, और नहीं तो टाइम अगर आपके पास नहीं है तो एक्सिस और HDFC काफ़ी बेस्ट रहेगा। और अगर आपका कोई बढ़िया पकड़ है LIC हाउसिंग फिनांस में तो इसमें भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बेस्ट मिल जाएगा। तो इन्हीं पांचों में से किसी बैंक को आप प्रेफर कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं, अगर आपको समय से बचाना है तो सबसे पहले आप HDFC में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो आप ICICI SBI प्रेफर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।